अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अज़लफ़ा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जैम स्पोर्ट्स। आप सबके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। हमारे सेगमेंट का नाम है न्यूज़ एंड व्यूज़। बात कर लेते हैं इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के सेकंड टेस्ट मैच की, उसके रिजल्ट्स आपसे शेयर करते हैं। इंग्लैंड ने 469 रन्स बनाए और अपनी 9 विकेट्स पर इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। बेन स्टोक ने एक बार फिर नंबर वन ऑलराउंडर होने का सबूत दिया और 176 रन्स स्कोर किए और इंग्लैंड को एक बड़ा स्कोर करने में मदद दी। जबकि वेस्ट इंडीज़ की जानिब से बैटिंग कुछ खास नहीं रही, वेस्ट इंडीज़ की टीम 287 पर ऑल आउट हो गई। ब्रैडफ़ोर्ड ने बनाए 75 रन्स। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ का कोई बैट्समैन बड़ी इनिंग नहीं खेल पाया, जिस तरह से बेन स्टोक ने खेली। उसके बाद इंग्लैंड अपनी सेकंड इनिंग खेलने आया और सेकंड इनिंग में इंग्लैंड ने सिर्फ 129 रन्स बनाए और 3 विकेट्स के नुकसान पर उन्होंने इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया और वेस्ट इंडीज़ को दिया 312 रन्स का टारगेट। लेकिन वेस्ट इंडीज़ से वो टारगेट भी अचीव नहीं हुआ और वेस्ट इंडीज़ ऑल आउट हो गई 198 रन्स पर। और इंग्लैंड की जानिब से स्ट्रेट ब्रॉड ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और फिर से बेन स्टोक ने बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। सेकंड इनिंग में 78 रन्स स्कोर किए और इस तरह से इंग्लैंड अपना सेकंड टेस्ट मैच जीत गया और सीरीज को इक्वल कर दिया 1-1। और वेस्ट इंडीज़ एक मैच जीत चुका है, इंग्लैंड एक मैच जीत चुका है और अब इंग्लैंड का थर्ड टेस्ट मैच जारी है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। देखते हैं कि सीरीज़ के रिजल्ट्स क्या आएंगे। लेकिन थर्ड टेस्ट मैच में भी इंग्लैंड की जो ग्रिप है वो मज़बूत नज़र आ रही है कि इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीत जाएगा। हमने आपसे शेयर किया था अपने लास्ट प्रोग्राम में कि टीम वाइट और टीम ग्रीन का मैच हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंट्रा स्क्वाड मैच हो रहा है और टीम ग्रीन की क़यादत पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन अजहर अली कर रहे हैं, जबकि टीम वाइट की क़यादत वाइस कैप्टन बाबर आजम को सौंपी गई है। लेकिन आपको बताएं कि टीम वाइट ने 249 रन्स बनाए अपनी पहली इनिंग में और ऑल आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान ने नफ सेंचुरी बनाई और नसीम शाह ने अपनी तबाहकुन बॉलिंग से टीम वाइट को ज़्यादा रन स्कोर नहीं करने दिए और उन्होंने 5 विकेटें हासिल की। जबकि टीम ग्रीन जब बैटिंग करने आई तो 181 रन्स पर ऑल आउट हो गई। असद शफीक ने भी नफ सेंचुरी स्कोर की और सुहेल खान ने टीम वाइट की तरफ से 5 विकेटें हासिल की। इसके बाद टीम वाइट ने टारगेट दिया टीम ग्रीन को 353 रन्स का, जो टीम ग्रीन ने अचीव कर लिया। टीम ग्रीन की जानिब से अजहर अली ने सेंचुरी स्कोर की, रिजवान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और इस तरह से टीम ग्रीन ये फर्स्ट इंट्रा स्क्वाड टेस्ट मैच जीत चुकी थी। अब आपको बताएं कि सेकंड टेस्ट मैच का आगाज़ हो चुका है, सेकंड इंट्रा स्क्वाड टेस्ट मैच का आगाज़ हो चुका है, लेकिन इसकी टीम्स कुछ इस तरह से रखी गई हैं कि जो टीम वाइट है उसकी क़यादत दी गई है सरफराज अहमद को और जो टीम ग्रीन है उसकी क़यादत दी गई है अजहर अली को। टीम ग्रीन के अगर हम प्लेयर्स को देखें तो साफ ज़ाहिर हो रहा है कि मैनेजमेंट टीम ग्रीन को प्रैक्टिस करवाना चाह रही है और जो फाइनल 11 है वो टीम ग्रीन ही होगी। आपसे शेयर करते हैं कि टीम ग्रीन और टीम वाइट में कौन कौन से प्लेयर्स शामिल हैं। पीसीबी ग्रीन्स की कैप्टनशिप अजहर अली के पास है और उनके साथ मौजूद हैं आबिद अली, असद शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, शादाब खान, शाहिन शाह अफरीदी, शान मसूद और यासर शाह। जबकि पीसीबी वाइट की टीम के कैप्टन हैं सरफराज अहमद और उनके साथ मौजूद हैं फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, फवाद आलम, हैदर अली, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, इमरान खान, काशिफ भट्टी, सुहेल खान और उस्मान शनवारी। पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट ने तो सोच लिया था कि पीसीबी ग्रीन को ही इंग्लैंड के टेस्ट मैच में उतारेंगे, लेकिन आपको बताएं कि सुहेल खान ने की है तबाहकुन बॉलिंग और टीम ग्रीन का जो टॉप 5 बैट्समैन का बैटिंग लाइनअप था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सवाल ये उठ रहा है कि जी टॉप 5 बैट्समैन सुहेल खान की बॉलिंग के सामने नहीं खड़े हो पा रहे, तो इंग्लैंड के तेज तरीन बॉलर जोफ्रा आर्चर, स्ट्रेट ब्रॉड, एंडरसन के सामने कैसे खेलेंगे? अब शायद
सुहेल खान की इस परफॉर्मेंस के बाद मैनेजमेंट ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि मैनेजमेंट को कुछ तब्दीलियां इस टीम में करनी पड़ेंगी। अब देखना ये होगा कि टीम वाइट की तरफ से कौन से बैट्समैन अच्छा स्कोर करते हैं, कौन से बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करते हैं और क्या वो अपनी जगह फाइनल 11 में बना पाएंगे या नहीं। इससे रिलेटेड हम आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में न्यूज़ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक्सपेक्टेड फाइनल 11 क्या हो सकती है। हमने आपसे शेयर किया था हारिस रऊफ के बारे में कि हारिस रऊफ का COVID-19 टेस्ट मुसलसल पॉजिटिव आ रहा है। हारिस रऊफ अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं, तो अब पीसीबी की मैनेजमेंट ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि उन्हें हारिस रऊफ का कोई ना कोई अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। और फिर मोहम्मद आमिर के होते हुए कोई दूसरा नाम उनके जहन में कैसे आ सकता था। मोहम्मद आमिर को बुला लिया गया है इंग्लैंड। उससे पहले मोहम्मद आमिर के टेस्ट हुए थे यहाँ पाकिस्तान में और दोनों टेस्ट आए नेगेटिव। उसके बाद मोहम्मद आमिर हो गए रवाना इंग्लैंड और अब इंग्लैंड में उनके दो COVID-19 टेस्ट होंगे। अगर वो भी नेगेटिव आ जाते हैं तो मोहम्मद आमिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड को जल्द ही ज्वाइन कर लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहीं टेस्ट सीरीज या कोई भी सीरीज खेलने जाए, किसी भी टूर पर जाए और वहाँ पर उन्हें इंजरीज का सामना नहीं हो पाए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर आबिद अली, ओपनर आबिद अली को इंजरी का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी इंजरी इतनी सीवियर नहीं है और अब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेकंड इंट्रा स्क्वाड टेस्ट मैच में मौजूद हैं और खेल रहे हैं। लेकिन हम आपको उनकी इंजरी से रिलेटेड बता दें कि वो फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर फील्डिंग कर रहे थे और वहाँ पर हैदर अली के शॉट से उनके हेलमेट पर बॉल लगी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हुआ। उन्हें ग्राउंड से ले जाया गया, उनका सिटी स्कैन हुआ, उनकी ट्रीटमेंट हुई और डॉक्टर सुहेल ने ये श्योरिटी दी कि वो सेकंड इंट्रा स्क्वाड टेस्ट मैच में ज़रूर शामिल होंगे और ऐसा ही हुआ। वो सेकंड इंट्रा स्क्वाड टेस्ट मैच का हिस्सा हैं। लेकिन खुशदिल शाह ट्रेनिंग सेशन करते हुए उनका जो लेफ्ट थंब है वो इंजर्ड हो गया, उसे फ्रैक्चर का सामना हुआ है और वो 3 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग से बाहर हो चुके हैं। वो 3 हफ्ते तक ट्रेनिंग नहीं कर सकते। अब आपको बताएं कि इमामुल हक भी इंजर्ड हो चुके हैं। इमामुल हक अभी जो इंट्रा स्क्वाड मैच चल रहा है सेकंड टेस्ट मैच, उसमें इमामुल हक को इंजरी का सामना करना पड़ा है नसीम शाह की बॉलिंग से। नसीम शाह बहुत तेज़ बॉलिंग कराते हैं और उनकी बॉल उनके हाथ पर लगी है, जिसकी वजह से इमामुल हक को रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। लेकिन पीसीबी ने अपडेट कर दिया है कि इमामुल हक अपनी बैटिंग जारी रखेंगे और जब दोबारा खेलने आएंगे तो वो अब ठीक हैं और वो खेल सकेंगे। इमामुल हक की बात हो रही है तो उनसे रिलेटेड एक और न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। इमामुल हक ने एक इंटरव्यू दिया ESPN क्रिक इन्फो को, जिसमें उन्होंने दीप दासगुप्ता से बात करते हुए बताया कि उन्हें किस कदर डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है सिर्फ इस वजह से कि वो इंजमामुल हक के नेफ्यू हैं। इस वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है और हम सबको पता है कि फैंस उन्हें पर्ची कहते हैं, उनके लिए पर्ची का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो शायद ठीक नहीं है। इमामुल हक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है और इमामुल हक ऐसा नहीं कि फ़ौरन से ही आकर टीम में शामिल हो गए। इमामुल हक ने स्ट्रगल की है, Under-19 में इमामुल हक खेले हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में इमामुल हक खेले हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो सिफारिश के बलबूते पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस वक्त मौजूद हैं। इमामुल हक ने एक इंसिडेंट शेयर किया कि जब वो अपने डेब्यू टूर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ गए थे तो उन्हें इसी तरह के डिप्रेशन का सामना हुआ था, वो खेले भी नहीं और फैंस ने उनके लिए पर्ची का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उन्हें कहा कि वो मतलब अपने बलबूते पर टीम में शामिल नहीं हुए हैं बल्कि इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर हैं, इस वजह से वो टीम में मौजूद हैं। लेकिन इमामुल हक को जब सिलेक्ट किया गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैच में तो इमामुल हक ने सेंचुरी स्कोर करके बताया कि वो अच्छा खेल सकते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब से लेके अब तक इमामुल हक को पर्ची का लफ्ज़ कहकर ही इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत गलत है। हमें एक प्लेयर को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, लेकिन इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए कि हमारे प्लेयर्स डिप्रेशन में चले जाएं। तो हमारे फैंस को इस बात का ख्याल रखना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि हमारे फैंस जो हैं अब इस तरह के लफ्ज़ अपने प्लेयर्स के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। मोहम्मद रिजवान लगातार अच्छा परफॉर्म करते जा रहे हैं,
बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हर टेस्ट मैच में जो प्रैक्टिस मैच जितने ही पाकिस्तान ने खेले हैं, ट्रेनिंग सेशन हो, उसमें वो अपने गेम से कोचेस को इम्प्रेस कर रहे हैं और अपनी जगह को मजबूत कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। मोहम्मद रिजवान ने मीडिया इंटरेक्शन में बताया कि वो सरफराज अहमद के बहुत बड़े फ़ैन हैं और वो सरफराज अहमद से बहुत कुछ सीखते हैं। उनका कहना था कि सरफराज अहमद उनके सीनियर हैं, वो चाहते हैं कि वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें क्योंकि सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चैम्पियंस ट्रॉफी भी जितवा चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आजकल जो है टीम्स विकेट कीपर बैट्समैन नहीं बल्कि बैट्समैन विकेट कीपर चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनका जो विकेट कीपर है वो बैटिंग भी करे और बहुत अच्छे रन स्कोर करके टीम को मैचेस जितवाए। जैसा कि आपको पता है कि लिवरपूल 30 साल बाद प्रीमियर लीग चैम्पियन बन चुकी है, तो जिस कैप्टन की लीडरशिप में लिवरपूल ने ये टाइटल अपने नाम किया है वो कैप्टन है जॉर्डन हेंडरसन। जॉर्डन हेंडरसन की कैप्टनशिप में लिवरपूल प्रीमियर लीग चैम्पियन बन चुका है और फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी लिवरपूल ने जॉर्डन हेंडरसन के कैप्टनशिप में ही उठाई थी। तो अब आपको बताएं कि जॉर्डन हेंडरसन को एक अवार्ड मिला है फुटबॉलर ऑफ द ईयर का और उन्होंने इसका क्रेडिट अपनी टीम को दिया है कि अगर टीम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो शायद ये अवार्ड उन्हें नहीं मिल पाता और टीम ही की वजह से उनकी लीडरशिप को सराहाया जा रहा है और जॉर्डन हेंडरसन को फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। टोक्यो ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम 23 ईयर ओल्ड एथलीट ने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई कर लिया है। अरशद नदीम 4-time नेशनल चैम्पियन है तो उम्मीद करते हैं कि वो ओलंपिक में भी जीत कर आएंगे और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करेंगे। अरशद नदीम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने डायरेक्टली क्वालिफाई कर लिया है टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के लिए। पाकिस्तान हॉकी की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान हॉकी ने अपने जुर्माने की दूसरी किस्त अदा कर दी है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को। ये जुर्माना पाकिस्तान हॉकी को तब लगा जब पाकिस्तान हॉकी टीम प्रो हॉकी लीग में शामिल नहीं हो पाई, पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर $2,00,000 का जुर्माना लगाया। इसकी एक किस्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पहले ही अदा कर चुका था और अब दूसरी किस्त भी अदा कर चुका है। आपको बताएं कि पेंडेमिक की सिचुएशन की वजह से, कोविड-19 की वजह से सारे टेनिस इवेंट्स कैंसिल हो चुके हैं, ऑफिशियली कैंसिल हो चुके हैं और अब टेनिस के इवेंट्स कराने का सोचा जा रहा है लेकिन पेंडेमिक की सिचुएशन की वजह से अभी फ़िलहाल ये पॉसिबल नहीं है और उम्मीद करते हैं कि पेंडेमिक जल्द से जल्द कंट्रोल हो और टेनिस के इवेंट्स फिर से स्टार्ट हो सकें। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। इस यौमे आज़ादी पे जेम्स टीवी पर मिली नगमों का मुकाबला एक मुनफरिद अंदाज में, यानी मुकाबला है आवाज का, बगैर मौसीकी के सुर और ताल में वतन की मोहब्बत के गीत गाएं और जीतें वक़ार आज़ादी दी वोकल्स कॉन्टेस्ट 2020। वेलकम बैक। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है क्विज का। आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तकरीबन एक दो लोग जो गलत आंसर दे रहे हैं उनका आंसर मैं बता देती हूँ। हमारे लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी, मोहम्मद आसिफ स्नोकर चैंपियनशिप, वर्ल्ड स्नोकर चैंपियनशिप 2 बार अपने नाम कर चुके हैं। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन सी। जिन लोगों ने सही बताया उनके नाम हैं सैयद आरफा, उसामा अली, असद शाह, अब्दुल बारी, एलेक्स नाइट एंड इकरास। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको
नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ कि हमारा आज के सेगमेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। विच क्रिकेटर स्कोर्स सेंचुरीज इन बोथ टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल ऑन हिज डेब्यूट। ऑप्शंस आर जहीर अब्बास, आबिद अली, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का जल्द से जल्द आंसर दीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं आप, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना आंसर हमें सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी आप पिछले क्वेश्चंस की तरह बिल्कुल ठीक देंगे। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है प्लेयर्स प्रोफाइल। आज इस सेगमेंट में हम आपसे डिस्कस करेंगे जहीर अब्बास के बारे में। जहीर अब्बास को एशियन ब्रेडमैन भी कहा जाता है। तो देखते हैं कि जहीर अब्बास ने अपने करियर में क्या क्या किया है। जहीर अब्बास का ताल्लुक सियालकोट पंजाब से है। राइट हैंडेड बैट्समैन थे और उनकी बैटिंग, उनकी कंसिस्टेंसी बहुत मशहूर थी। जहीर अब्बास के पास रिकॉर्ड है कि वो फर्स्ट बैट्समैन हैं जिसने 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज बनाई हैं वनडे इंटरनेशनल में। इसके अलावा जहीर अब्बास ने 78 टेस्ट मैचेस खेले हैं जिनमें 5,062 रन्स बनाए हैं। वनडे इंटरनेशनल उन्होंने 62 खेले हैं जिसमें उन्होंने 2,572 रन्स बनाए हैं। अगर फर्स्ट क्लास करियर की जानिब देखें तो फर्स्ट क्लास करियर भी उनका बहुत अच्छा रहा। उन्होंने 457 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 34,843 रन स्कोर किए हैं। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 12 सेंचुरीज और 20 नेस्ट सेंचुरीज बनाई। ODI में उन्होंने 7 सेंचुरीज और 13 नेस्ट सेंचुरीज बनाई, जबकि फर्स्ट क्लास में उन्होंने 108 सेंचुरीज और 15 नेस्ट सेंचुरीज बनाई। जहीर अब्बास का टेस्ट क्रिकेट में 274 हाईएस्ट स्कोर रहा है, ODI में 153 हाईएस्ट स्कोर रहा है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 492 हाईएस्ट स्कोर रहा है। जहीर अब्बास को रन मशीन भी कहा जाता है और जहीर अब्बास ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत ही शानदार करियर बनाया। और जहीर अब्बास फर्स्ट एशियन बैट्समैन है जिसने 100 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज स्कोर की हैं। जहीर अब्बास ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई अपने करियर में। जहीर अब्बास को हम कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं और हमें उन पर फ़ख्र है कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है अपनी बैटिंग से, अपनी परफॉर्मेंस से। तो थैंक यू सो मच सर। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है फन क्लिप का। तो चलें देखते हैं कि इस वीक की फन क्लिप में क्या हो रहा है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ के साथ मैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके सामने हाज़िर होंगी। उम्मीद करती हूँ मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अपना फ़ीडबैक देना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। और आपको याद ही होगा लास्ट लाइन ऑफ माय प्रोग्राम, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक आर वीडियोस एंड कमेंट ऑन आर यूट्यूब वीडियोस इफ़ यू लाइक इट।